तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। और यू कैन सी कि अभी मैं आपको एक छोटे से स्क्रीन में दिख रहा हूँगा, है ना। अभी मैं स्क्रीन से इससे आता हूँ बाहर। सो गाइस, हम आ गए स्क्रीन से बाहर और आज अपने पास क्या है, लुक एट दिस। आज हमारे पास है हमारा नाम तो हमने नहीं रखा है अभी इसका, लेकिन हम इसको काला घोड़ा बोलते हैं। सो हमारे पास है काला घोड़ा। हिमालयन के मैं बहुत सारे वीडियो रिव्यूज़ और सब कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल पे, सो वो चेकआउट कर लेना। बाकी इस बाइक को हम क्यों दिखा रहे हैं कि इसमें हमने करा रखे हैं मॉडिफिकेशन। सो इसमें हमने मॉडिफिकेशन कराए हैं, कितने कराए हैं, क्या क्या कराए हैं और कितने के कराए हैं, वो सारे के सारे जो है इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। सो जो हिमालयन बाइक लेने वाले हैं, उसको लोड करने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। सो वीडियो पूरा देखना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। सो बताते हैं पूरे विस्तार से इस बाइक में हमने क्या क्या किया हुआ है। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इसमें फ्रंट सेक्शन से, ठीक है। हम फ्रंट में आ जाते हैं, तो फ्रंट में आप देखेंगे गाइज इसकी लाइट नहीं घूमती है, आई एम सॉरी। सो फ्रंट में हमने यहाँ पे इसमें लगाई हुई है ग्रिल, स्पाइडर ग्रिल है जो इसकी हेडलाइट को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद में यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं SAGK लाइट, और एक यहाँ पे भी हमने SAGK लाइट लगाए हुए हैं। इसमें मतलब टू पेयर्स के हमने जो है लाइट लगाई हुई हैं। इसके बाद में देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो छोटू सा कैमरा दिख रहा है, इसी कैमरे में आप मुझे स्टार्टिंग में देख रहे थे। ये हमारा जो है कनेक्ट हो जाता है यहाँ ऊपर आके इससे कारप्ले से। इसको हम इधर से देखते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं। तो इसमें देखो ये जो है चल रहा है। मैं एक बार फिर को आपको दिखाता हूँ इसमें जाके, आप देख सकते हो। मैं एक बार दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाई दूंगा, देखो ठीक है, दिख रहा हूँ गाइस। सो ये इससे कनेक्टेड है और इससे आपको 4K की रिकॉर्डिंग मिलती है। इसमें मेमोरी कार्ड, मैप वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो ये हमारा हो गया कार प्ले। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये Insta360 हमने मतलब लगाया हुआ है अलग से, ये मॉडिफिकेशन नहीं है, हमारा गैजेट है, ठीक है, इस पर मत फोकस करना। और इसके बाद हमने इसमें यहाँ पे पास से देखोगे तो हमने ये लगाए हुए हैं हैंडल राइजर्स जो कि हिमालयन के हैं। इन पर ब्रांडिंग भी है हिमालयन की, यहाँ पे आप देखोगे तो कैमरामैन फोकस कर पाएगा हमारा। तो अभी हमने नया ही रखा है उसको, ठीक है, तो थोड़ा सा अभी मेहनत कर रहा है बेचारा, ठीक है। सो और इसके बाद आगे आ जाते हैं, आगे आते हैं तो यहाँ पे देखो राइडिंग मोड ऑन हो जाता है इस बाइक का। यहाँ ये बटन है, इसको दबाओगे तो राइडिंग मोड ऑन हो जाएगा वो जो का पार्ट्स। सो अब इसके बाद आ जाते हैं पीछे, तो पीछे इसमें आपको दिखेंगे एक ये टॉप रैक्स है, इसके बाद आपके दो पैनियर्स हैं। तो ये हमने जो है इसमें फ़िट कराए हैं, पूरा ये वो था कॉम्बो था, उस कॉम्बो में हमने तीनों लगाए हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे पास आओ थोड़ा सा, आपको यहाँ पे कुछ लिखा दिखाई देगा मोटो यात्री, एट मोटो यात्री। सो ये है मतलब हमारे भाई के चैनल का नाम, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम वगैरह व्हाट्सअप जहाँ भी ये दिख जाए ना, वहाँ पर इसको बस टैप मार देना है ताकि भाई के जो है अच्छे से सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है। सो ये हो गई। इसके बाद देखो ये कैमरा यहाँ पे भी लगा हुआ है, नीचे दिखाएंगे भैया जी प्लीज़। यहाँ पे कैमरा लिखा हुआ है, यहाँ फिर से ब्रांडिंग आ गई भाई, ब्रांडिंग भाई ने दबा के करी है यार, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखो इस कैमरे में मैं दिखाता हूँ आपको जाके, आप वहाँ पे स्क्रीन पे जाके देखोगे पीछे भी कैमरा है, वेरी गुड। तो अभी मैं आधा दिख रहा हूँ, अभी मैं पूरा दिखने लग जाऊँगा। ये देखो पूरा दिख रहा हूँ भाई, अरे बहस की आँख, ओह बैलेंस बिगड़ गया, मोटा भाई का असर है, कोई बात नहीं। सो अभी आप देख पा रहे हो तो आगे पीछे दोनों तरफ आपको 4K रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। ये हमने इसमें सेटअप डाला हुआ है, ठीक है, वापस पीछे आ जाएंगे। सो ये जो है सेटअप बॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिए, इसको हमने लगाया कैसे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार थोड़ा सा पास आके दिखाएंगे भाई साहब। ये हमने जो है इसमें पूरी एक सैडल स्टे और रैक बनाई हुई है, यहाँ कंपनी वाली आती है उसको हमने निकाल दिया है, यहाँ अलग से हमने एक सैडल रैक लगाई है जिस पर ये बॉक्स फिट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर सैडल स्टे है और एक छोटी छोटी आप देख रहे हो ये इस बॉक्स को जो है निकालने के लिए हैं। और ये जो है हमारे सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं ये जो है डिटैचेबल हैं। मैं आपको एक बॉक्स इसमें से निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये वाला बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के। इधर आएंगे यहाँ पे भाई साहब, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर तो ये हमने पुश करा, ये हमारा हो गया, देखो अनलॉक हो गया। इसके बाद ये पहले हमें इसको अनलॉक करना ही करना है, अदरवाइज ये पता चला कि पूरी रैक हाथ में आ जाएगी, वैसे इतनी आसानी से आएगी नहीं। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है बस। और ये देखो मैंने इसको ऊपर उठाया और ये वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, निकल गया। अब इसे कहीं भी रखो, अपने साथ ले जाओ, होटल में रखो, कहीं भी रखो, इस तरह से सारे के सारे ही निकल जाते हैं। इसको मैं वापस लगा देता हूँ, पहले नीचे वाले पे रखो, फिर ऊपर वाले पे रखो, और फिर इसको हल्का सा वो करो वापस, और ये हमारा
यहाँ पे देखो बटन होता है, ये ऐसे खुलेगा नहीं, ये भी सेफ्टी फीचर है। ये वाला बटन हम दबाएंगे, ये खुल जाएगा। देखो इसको लेके जाना है, इस पत्ती पे लगा के वापस ये लॉक, ठीक है। तो ये इतनी आसानी से नहीं खुलेगा ये बटन, और इसके इनके जो बॉक्सेज हैं सब में यहाँ पे एक बटन है। इसको जैसे खोलेंगे ना, यहाँ बटन प्रेस करेंगे, ये खुल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है इसमें, ठीक है। इसके बाद में हमने इसमें लगाया है ये क्रैश गार्ड, और इसमें देखो स्लाइडर लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी मतलब अच्छे हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बाइक वगैरह कभी हमारी अगर गिरती है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अब कभी गिरती है तो ये जो है आपका पूरा का पूरा सेफ रहने वाला है। ये भाई ज्ञान बहुत देता है बीच में मुझे, कैमरामैन हो कैमरामैन की तरह रहो। चलो कोई नहीं। हम इस पे थे, हमारे ये जो है क्रैश गार्ड हमने लगाया। तो इससे क्या है, देखो पूरी यहाँ से लगा हुआ है, तो इंजन केस से लेके हमने सेफ्टी इसमें पूरी प्रोवाइड की है। सबसे अच्छी बात इस गार्ड की जो मुझे लगी ये है कि देखो यहाँ से ये पूरा एक रॉड है इसमें, तो ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। उसके बाद ऊपर में भी देखोगे तो ऊपर में भी ये पूरा का पूरा यहाँ पे बंद है, तो गिरने पे मोस्ट आपको जो है सेफ्टी इसमें मिलने वाली है। इसके बाद में ये हमने रेडिएटर ग्रिल लगाई हुई है, हिमालयन की ब्रांडिंग है। यहाँ पे हमने बेस प्लेट लगाई है, ठीक है, इसमें भी हिमालयन की ब्रांडिंग है, और ये हिमालयन वाले पहाड़ भी हैं जिन पर ये बाइक चढ़ेगी, ठीक है। तो बेस प्लेट वगैरह देखो इसलिए ज़रूरी होती है कि एक आपकी एडवेंचर बाइक है, सो एडवेंचर बाइक में ये सब होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी एडवेंचर पर जाओगे तो इंजन वगैरह में कोई पत्थर वत्थर लगेगा तो वो जो है नहीं लगेगा फिर। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो हमने देखो ये प्रो टैपर का एक इस पर रबड़ चढ़ा दिया है, जो कि आपके जूते को थोड़ा सा ख़राब नहीं करेगी। कभी कभी आप जो फॉर्मल पहन लोगे ना तो उसको ये ख़राब नहीं करेगी, बच जाता है उससे, हालांकि कोई ज़्यादा नहीं होता है, मेरे जूते फिर भी घिस गए, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, तो आगे आपका है फोक स्लाइडर्स, ये हमने यहाँ लगाए हुए हैं, ठीक है, दोनों साइड में है ये। और यहाँ पे ये हमने जो है इस पे कवर लगाए हुए हैं, जो कि आपके डस्ट कवर्स हैं, ताकि आपका यहाँ पे जो है डस्ट ना जमे, और ये मूवमेंट इसका जो रहता है वो थोड़ा सा सेफ रहता है ना। इसके बाद देखो एक यहाँ पे आपको छोटा सा बड़ा सा ये दिख रहा होगा, ये पता नहीं क्या मतलब, देखो आपको लगेगा ना ये लॉलीपॉप यहाँ पे एक लगा हुआ है, ये जो है टायर प्रेशर मॉनिटर है, ये हमें वहाँ पे दिखता है सब, मतलब टोटल जो है हमें वहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद में अभी इसका जो है वाइजर हमने ऑर्डर किया हुआ है, वो वाइजर आ जाएगा, ठीक है। और क्या रह गया इसमें मुझे पता नहीं, और तो क्या रह गया सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ सिलेंडर गार्ड ऑयल, हाँ ये तो यहाँ पे, और अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा सा, देखो हेलमेट लगा हुआ है एक्सोर का, स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, GoPro भी लगा हुआ है, तो हेलमेट यहाँ रखते हैं। इसके अलावा और जो हमने इसमें लगाया है वो लगाया हमने देखो यहाँ पे मास्टर सिलेंडर जो कैप है हिमालयन का, यहाँ पे भी ब्रांडिंग है, ठीक है, और एक यहाँ पे भी हमने लगाया है। सो ये सारे के सारे जो है किट में लगे हुए हैं, यू कैन सी, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये है और एक ये यहाँ पे भी है ना। तो मतलब ऑल ओवर सेफ्टी हमने इसकी कर दी है, कभी एडवेंचर पे कहीं जाएगी भाई ये बाइक धुआं उड़ाएगी। इसके बाद हमने देखो ये भी लगाए हैं इसमें बाक बस्टर्स, सो काफ़ी मजबूत हैं, कुछ होने वाला है नहीं। और एक बार हैंडल बार की तरफ आएंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमने इसमें बटन्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखो बटन है, ये हमारे लाइट्स के लिए हैं, और ये एक इधर लाइट के लिए। तो ये लाइट मैं एक बार आपको जला के दिखाता हूँ, ठीक है। कैमरामैन आगे जाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे लोगों को कि हमारा डिस्को लाइट कैसे जलती है। तो ये वाली लाइट मैं पहले ऑन करता हूँ, ये देखो ये अभी येलो हो गई है, ठीक है। और एक बार प्रेस करेंगे ये मोड हो गया, सॉरी, ये इसमें मोड्स हैं, समझ जाना कोई नहीं, मोड्स हैं, ये सब मोड्स हैं। और इसको बंद करना है तो पीछे से बंद हो गई है, ठीक है। और इसके बाद इसको एक बार और दबाएंगे तो ये वाइट हो जाएगी, एक बार और दबाएंगे तो वाइट एंड येलो दोनों हो जाएंगी। तो एक बार पास आएंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे जो बटन है ना कंट्रोलर, इस तरह का बटन आप लगाओगे तो फ़ायदा रहेगा। हमारा ये जो रेड है ये इसके ऑन ऑफ़ करने के लिए और लाइट चेंज करने के लिए, आगे जो है उससे इसमें जो है डिस्को लाइट शुरू हो जाती है, ठीक है। देखो एक बार दबाऊंगा, ये देखो सामने डिस्को लाइट शुरू हो गई होगी, है ना। तो इसको करते हैं बंद, ठीक है, ये बंद हो गई आपकी। और बंद करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद मैं दूसरी जो नीचे हैं ये भी मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। तो ये देखो हमारी लाइट ऑन हो गई है, सो दोनों ही SHG की हैं। अब इसमें क्या है कि हमने क्या लिया, इसमें कवर लगा हुआ है, तो इसका कवर हम हटा देंगे तो इट्स लुक ब्राइट, ये वाइट हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर हम इसको एक बार ऑन ऑफ़ करते हैं तो इसमें भी हमारे ये डिस्को लाइट्स वाले मोड हैं, और ये तो ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं भाई। सो एक बार में आपका ऑन हो जाता है, एक बार में आपके ये जो है ब्लिंकर्स आ जाते हैं, ठीक है, और एक बार आप और करोगे तो ये दोनों एक साथ जलती हैं। तो ये इसमें तीन मोड हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बताना कैसा लग रहा है बाइक पे पूरा मॉडिफिकेशन, फुल मॉडिफिकेशन, शायद ही कुछ इसमें छूटा है,
इसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़। बाइक हो गई है अभी बहुत भारी, तो इसको अब उतारना है और बैठाना है, वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आ जाएंगे भाई साहब हमारे जो हैं। सो देखो, अब मोस्टली देखो मेरी हाइट भी कम है, तो अब आपको इसको जब भी इससे स्टैंड से हटाना है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ये जो हमारे यहाँ ये लगे हुए हैं ग्रैब रेल्स यहाँ पे है ना, तो ग्रैब रेल्स बेसिकली इसमें यहाँ होती है, लेकिन अभी हमारे सैडल बॉक्स जब लगाते हैं तो दिक्कत होती है। सो इसको हमें पकड़ना है और यहाँ हमें हैंडल को होल्ड करना है, ठीक है। और इस पर यहाँ पैर अड़ाने के बाद बस आगे बाइक को हल्का सा पुश करना है ना, ये ऑलरेडी इतना वेट है इसमें, ये देखो पुश हुई और ये आराम से उतर जाती है, ठीक है। और जब बात करते हैं इसको वापस चढ़ाने के लिए, तो वापस के लिए वही है कि आप इसको पैर रखो यहाँ पे, बेसिकली मैं जो शॉर्ट हाइडर है ना उनके लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट हाइड राइडर्स के लिए पैर रखे यहाँ पे, ग्रिप दिखाओ, एक ग्रिप हैंडल पर रहनी चाहिए, एक आपकी इसके सैडल रैक के इस पर रहनी चाहिए, और बस इसको ना पूरे प्रेशर से एक बार झटके से ऐसे पुश करना है। सो इस तरह से आप इसको सैडल अनसैडल कर सकते हो। हालांकि बाइक बहुत हैवी है, थोड़ी सी सांस मेरी भी फूल गई। सो ऑल ओवर बाइक कैसी लग रही है आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आके, ठीक है। ये एक छोटा सा अपडेट वीडियो था आप लोगों के लिए कि हमने इसमें क्या क्या करा है। प्राइस की मैं बता देता हूँ, तो लगभग हमने इसमें अराउंड 80,000 के आसपास हमने जो इसमें मॉडिफिकेशन करा दिया है शोरूम से उतरते ही। भाई पैसा ही पैसा है हमारे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तभी और पैसे आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो भाई बाइक है हमारे भैया की मोटो यात्री, बाइक पर ब्रांडिंग वगैरह मैंने सब दिखाई दी है। तो भैया रीजन एंड इतना सारा पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? देखो रीज़न तो ये है कि अपने को है पहले तो घूमने का शौक़, ठीक है, और मेरा एक सपना था पूरा ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करने का, और वो इसी से करेंगे पूरा, और इसीलिए इतना पैसा लगाने की ज़रूरत थी मेरे को, क्योंकि मेरे को रास्ते में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, इस वजह से मैंने इतना पैसा लगाया, और ताकि अपने को रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, अपना सामान जो भी कैरी करना हो सब चीज़ भाई सब जो लगाना है एक बार में लगा के चल पड़ो, पूरा ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना तभी मेरी वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो रीज़न यही है कि अपने को घूमने का शौक़ है और अपना ट्रैवल करेंगे दबा के। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, सी यू सून, सायोनारा, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।